और पेंड्रा के मरवाही में भर्री ढांड से पीपर डोल होते हुए मरवाही को जोड़ने वाली सड़क पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां दो साल से सोन नदी पर बना पुल टूटने के बाद भी यातायात चालू है और इन दिनों क्षेत्र में लगातार बारिश होने से नदी भी उफान पर है। वहीं लोग अपनी जान जोखिम में डालकर वाहन पुल से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में किसी बड़ी अप्रिय घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की शिकायत के बाद भी प्रशासन गंभीर नहीं है, सूचना बोर्ड लगाने के अलावा कोई सुधार नहीं किया जा रहा है। जब इस मामले में जिला कलेक्टर से बात की गई तो उन्होंने जल्द उस मार्ग पर यातायात बंद करवाने की बात कही है। बहरहाल व्यवस्था कब तक दुरुस्त होती है ये देखने वाली बात है। अभी एक बार फिर टूटा, फिर ज्यादा बैठ गए तो दो साल पहले से लेकर अभी तक टूटते जा रहा है। कोई शासन ध्यान नहीं दिया में पुल है सोन नदी पर, वो काफी जर्जर हो गया। प्रशासन ने रोक तो लगा दी है लेकिन उसके बाद भी आवागमन जारी है। मैंने अभी एसडीएम को बोला है, उसमें जाकर देखें और जो कार्रवाई कर सकते हैं उस हिसाब से प्लानिंग करके बताएंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विप्लव गुप्ता जुड़ गया है। विप्लव, क्या अभी पूरी तरह से आवागमन बंद हुआ है? कलेक्टर महोदय ने निर्देश मतलब मीडिया को बताया था कि आवागमन पूरी तरह से बंद करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उसमें आवागमन पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। और चूंकि वह पुल जो है करीब 15 से 16 गांवों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ता है, वहाँ के लोग रोजाना वहाँ से आवागमन करते हैं, वाहनों का भी आवागमन होता है, तो खतरे की। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया विप्लव आपका।